वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। रूस पर आज यूएस यूके यूरोपियन यूनियन द्वारा इतने प्रतिबंध लग चुके हैं कि रूस की करेंसी रूबल गिरनी शुरू हो गई है। 30% से ज़्यादा गिर चुकी है रूस की करेंसी, और ये तो अभी शुरुआत है। रूस की करेंसी का और बुरा हाल होने वाला है। अभी अगर आपके पास एक यूएस डॉलर है तो आपको 105 रशियन रूबल मिल सकते हैं। इंडियन रुपीस में कितना होगा? तो 1000 इंडियन रुपीस आपको 1400 रशियन रूबल दिला सकता है। अभी ये हम ये बोल रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो स्विफ्ट के असर दिखने बाकी हैं। इतने प्रतिबंध लगे हैं, उसके धीरे धीरे असर दिखेंगे, तो रूस का बिजनेस बहुत सारा बंद हो जाएगा। तो आने वाले समय रूस के लिए बहुत बुरा होने वाला है। लोग एटीएम बैंक में लंबे लाइन लगाकर अपने पैसे निकाल रहे हैं। आप बोलेंगे बैंक से पैसे क्यों निकाल रहे हैं लोग? क्योंकि लोगों को ये डर है कि इतने प्रतिबंध का शिकार हो चुका है रूस कि एक बार तो इनका बैंक भी दिवालिया घोषित कर देगा। रशियन करेंसी का गिरना इंडिया पर क्या असर पड़ेगा इसका? तो देखिए, इंडिया का इससे लाभ ही होगा, क्योंकि रूस का स्विफ्ट से निकाल दिया गया है, जिससे रूस डॉलर में व्यापार नहीं कर पाएगा। अब हम रुपी और रूबल में व्यापार करेंगे, और इंडियन रुपी रूस की करेंसी से ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हम काफ़ी अच्छे शर्तों के साथ व्यापार कर पाएंगे रूस के साथ। रूस की आम जनता देख रही है, अब उनका देश इकोनॉमी में बर्बाद हो रहा है, तो वे अब सड़कों पर आ रहे हैं कि पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप युद्ध रोक दो, देश पर ध्यान दो, अपने इकोनॉमी पर ध्यान दो। पुतिन को प्रदर्शन को रोकना आता है, ये जानते हैं कि किस तरह प्रदर्शन रोका जाता है। जितने भी प्रदर्शनकारी है जो रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, उसे पकड़कर जेल में डाल दे रहे हैं। 2000 लोगों को पकड़ा गया, अब तक 5000 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया। एक ही दिन में 2000 लोगों को पकड़ा गया रविवार को, तो सबको जेल में डाल दिया जा रहा है, जो भी आवाज़ उठा रहा है, जो बोल रहा है युद्ध रोक दो। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ रहे हैं। पुतिन के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि अगर युद्ध बंद हो जाता है तो उस पर जो इतने प्रतिबंध लगे हैं रूस पर, वे इतनी जल्दी तो रिमूव नहीं होंगे, तो उसका तो नुकसान ही है कि उसने युद्ध भी रोक दिया, यूक्रेन भी हाथ न लगा, और इतने प्रतिबंध भी उस पर लग गए, सैनिक भी उसने खो दिया, तो इससे तो रूस का नुकसान ही है। तो पुतिन कोशिश कर रहे हैं कि अब बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। वे यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहे हैं कि अब तुम हार मान लो और तुम्हारा भी लाभ होगा, हमारा भी, तो वे बातचीत करके कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने 5000 से ज़्यादा सैनिकों को खो दिया है। यूक्रेन को वे पूरी तरह खाली तो नहीं करने वाला, इतने सैनिकों को खोने के बाद, इतने प्रतिबंध का शिकार होने के बाद वे यूक्रेन को खाली तो नहीं करेंगे रूस। युद्ध लंबा चला तो भी रूस का नुकसान है, क्योंकि रूस का अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो पुतिन का कोशिश है कि जल्द से जल्द या तो यूक्रेन को कब्जा ले, या यूक्रेन में प्रो रसिया सरकार बना दे। अब ये या तो युद्ध करके हो या बातचीत करके, अब कैसे होता है ये तो देखने वाली बात है, पर रूस हार तो नहीं मानेगा। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।